वेलकम बैक टू बीएससी फर्स्ट ईयर क्लास। बीएससी फर्स्ट ईयर क्लास में चैप्टर टू टेलर एंड मैकलुगन से हम स्टार्ट कर चुके थे पेपर टू का। तो आपके पास जो एग्जाम में प्रॉब्लम्स आएंगे, एक्सपांडिंग द फंक्शन वाई इक्वल टू साइन एक्स, में भी वाई इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इक्वल टू टेन एक्स, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स एंड वाई इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स। तो देखो आप, इन सब क्वेश्चन में वेराइटी ऐसे है कि आपके पास नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकता है, ठीक है, तो और हो सकता है इनवर्स फंक्शन, हो सकता है इनका कॉम्बिनेशन, या हो सकता है लॉग के बीच में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या हो सकता है वाई इक्वल टू ई टू दी पावर या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन आ सकता है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ लॉगरिथमिक फंक्शन का कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, या हाइपरबोलिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एग्जाम में देखो सर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर 12 है जो एग्जाम में है। तो लॉग के जितने भी प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 10, 11, 12 और लॉग वाले क्वेश्चन, एक ये वाली प्रॉब्लम और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, एक्सपोनेंशियल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे, ये तो ये जो पांच प्रॉब्लम है बेसिक, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम में जो प्रॉब्ली आते हैं लॉग के टर्म्स वाले क्वेश्चन आते हैं, मे बी लॉग ऑफ कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, ठीक है। तो एक एक करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और जो सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम है वो आपके लिए होमवर्क ऐसे हम दे देते हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखते हम सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन है वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सपांडिंग। तो देखो जो पहला है सोल्यूशन, वाई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन एक्स। तो ऐसे केसेस में हम करेंगे क्या, वाई इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है, अब हमको क्या करना है भाई, यूजिंग द मैक्लोरियन थ्योरम एक्सपांशन करना है। तो हमको मैक्लोरियन थ्योरम में चाहिए क्या रहता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग फंक्शन का हमको क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे डेरिवेटिव आपको निकालते जाना है। उसके बाद डेरिवेटिव में क्या करना है, एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई की पर्टिकुलर वैल्यू निकालना है, और वो मैक्लोरियन थ्योरम में जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और जो इसमें इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन में रख देना रहता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स है, दैट मीन्स यहाँ पे y नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, y नॉट मत, दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, एक डायरेक्टली x इक्वल टू जीरो रखें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। सिमिलर मैनर में यहाँ y1 की वैल्यू निकालेंगे, y1 दैट मीन्स क्या होगा, वन टाइम डेरिवेटिव, तो वन टाइम डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, साइन एक्स का कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस एक्स, कॉस जीरो की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, तो ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स। और अगर हम वाई वन जीरो की अगर वैल्यू निकालना चाहें, ये तो डायरेक्टली क्या था, वाई जीरो की वैल्यू थी, वाई वन जीरो की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, कॉस जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस जीरो इक्वल टू वन हो गया। अगेन वाई टू की वैल्यू निकालेंगे और जीरो रखेंगे एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो देखो यहाँ पे कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस जीरो, दैट मीन्स फाइनली कितना कितना आ जाएगा, जीरो, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। सिमिलरली अगर y3 की वैल्यू निकालेंगे आप, y3 जीरो, तो y3 जीरो की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, साइन एक्स का एक्सपेंशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो माइनस पहले से था, ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स और डेरिवेटिव, सॉरी एक्सपेंशन नहीं डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस पहले से था तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन। तो देखो यहाँ पे प्लस आया फिर जीरो आया, तो स्टार्टिंग में क्या आया, जीरो फिर वन फिर जीरो फिर माइनस वन। एक बार और चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे y4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y4 और उसके बाद x इक्वल टू जीरो पे उसका x उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो cos x है, अगेन इसका कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा, माइनस cos x का माइनस sin x, और माइनस पहले से था तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा, प्लस sin x, दैट मीन x इक्वल टू जीरो रखने पे कितना हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, जीरो। तो ध्यान से देखो जो फंक्शन की जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो क्या रिपीट हो रही है, वैल्यू जीरो वन जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन जीरो माइनस वन, ऐसे रिपीट होती जाएगी, ठीक है। तो हर एक अल्टरनेट के बाद आपको जीरो आएगा ही आएगा। तो अगर हमको साइन एक्स का एक्सपांसर लिखना हो, लेट एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन एक्स, तो साइन एक्स का जब हम एक्सपांसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से यहाँ पे, तो वाई नॉट रख देंगे या फंक्शन की जो भी वैल्यू है, तो वाई नॉट वाली वैल्यू रह जाएगी, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे एक्स करेंगे, उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे वाई वन एट जीरो, वाई वन जीरो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, फैक्टोरियल वन, तो रहने देते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल टू, और यहाँ पे वाई टू जीरो की वैल्यू रख देंगे। तो ये वाई वन जीरो वाई टू जीरो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स जीरो, या यहाँ पैसे कर दो, एफ ऑफ जीरो, यहाँ पे एफ डैश ऑफ जीरो,
यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एफ डबल डैश ऑफ जीरो, वही चीज है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव या टू टाइम डेरिवेटिव करो, और ऐसे ऐसे वैल्यू आप ऐसे ऐसे रखते जाओ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपन फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई वाई 3 0, उसी तरह एक्स 4 अपन फैक्टोरियल 4 एंड वाई 4 0। तो वैल्यू आप करस्पॉन्डिंग ऐसे रखते जाएंगे, तो देखो वाई 0 की जो वैल्यू थी कितनी थी, 0, तो 0 यहाँ पे कर दिया, प्लस ये कितना हुआ एक्स, इसकी वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 1 थी, अगेन कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर वाला तो 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक्स क्यूब अपन फैक्टोरियल 3, एक्स क्यूब अपन फैक्टोरियल 3, और ये देखो वाई 3 0, वाई 3 0 की जो वैल्यू है वो कितनी है, -1, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, -1, ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा। अगेन कितना हो जाएगा, जो नेक्स्ट वाला जो हो जाएगा 4 वाला, ये 0 हो जाएगा, अगेन जो प्लस आएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 अपन फैक्टोरियल 4, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ -1 था तो ये हो जाएगा +1। तो जो हमारा फाइनली एक्सपांशन बनेगा, तो साइन एक्स का जब हम एक्सपांशन देखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स का जो एक्सपांशन होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स फिर माइनस एक्स क्यूब अपन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 अपन फैक्टोरियल 7 प्लस। ध्यान से देखो, यही चीज हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया, यहाँ पे 4 वाला एक्चुअली में देखो 3 हो गया, यहाँ पे 4 वाला 5 वाला रहेगा, 4 तो वहां चल जाएगा, 5 अपन फैक्टोरियल 5, 5 अपन फैक्टोरियल 5 रहेगा ये, ठीक है ना, 4 वाला अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, तो हर जो सेकेंड टर्म से वो 0 हो जा रहा है। देखो यहाँ पे ये कितना हो गया 0, अगेन ये वाला भी 0 और ये वाला भी 0, जो 5 वाला रहेगा वो आया, तो 3 वाला आया, देखो ध्यान से 5 वाला आया यहाँ से, ठीक है, उसी तरह 7 वाला भी आएगा, बस साइन क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अगेन जो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमको लिखना होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर 9 अपन फैक्टोरियल 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली, अब माइनस हो जाएगा। तो ऐसे साइन एक्स का एक्सपेंशन होता चला जाएगा, तो है काफी सिंपल, ठीक है। आपको क्या करना है, बस फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, 5 से 6 डेरिवेटिव आप निकालो, सिक्स डेरिवेटिव बहुत है, इनफ होता है आपको सीरीज फाइंड करने के लिए कि किस टाइप का नेचर का आपका एक्सपेंशन आ रहा है। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन हो गया, सिमिलर मैनर में आप कॉस एक्स का एक्सपेंशन कर लीजिएगा, ठीक है, सिमिलर मैनर में आपको टेन एक्स का भी एक्सपेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं, साइन एक्स का हो गया, कॉस एक्स का कर लेना, ठीक है, तो टेन एक्स का हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसको वीडियो पॉज करो और नोट डाउन करो ये सारी चीजें। सिमिलर मैनर में वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का हम जब मैकलियन थ्योरम से एक्सपेंशन करेंगे, तो ध्यान से देखो यहाँ पे वाई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि टेन 0 की वैल्यू होती है 0। एक बार डिफ्रेंशिएट किया, टेन एक्स का कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बटे सेक स्क्वायर 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा फाइनली 1 हो जाएगा। और वाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर एक्स का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 sec x इंटू फिर 2 sec x हो जाएगा और sec x इंटू 10x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 sec² x इंटू 10x। अगेन हम x के जहाँ पे रखेंगे तो sec² x की वैल्यू 1 थी और 10x की वैल्यू 0, तो फाइनली कितना हो गया 0। ध्यान से देखो यहाँ पे हर अल्टरनेट टर्म्स 0 हो जा रहा है, ठीक है, तो 0 वाला हुआ, अगेन उसके बाद क्या हुआ, 2 वाला हुआ, उसके बाद क्या है 4 वाला हो जाएगा, ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनली 0 हो जाएगा, फिर क्या है 5 वाला टर्म्स कुछ ना कुछ आएगा, तो देखते जाते हैं हम यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ पे 5 टर्म्स 6 टर्म्स का करना पड़ेगा, 6 वाला ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं हम, डिफ्रेंशिएट किया वाई टू 0 इक्वल टू कितना आ गया फाइनली 2 sec² x इंटू 10x। अगेन वाई टू को हम डिफ्रेंशिएट किए वाई 3 निकालने के लिए, कितना हो जाएगा, 2 को हमने सबसे पहले कॉमन ले लिया, तो सेक स्क्वायर एक्स और 10x, तो हम करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसको कॉन्स्टेंट और इसका डिफ्रेंशिएशन तो इसका कॉन्स्टेंट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएट किया और 10x को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट किया, तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का, 2 को पहले बाहर किया, sec square x का जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 sec x into कितना हो जाएगा फाइनली 2 sec x into 10x, दैट मींस 2 sec square x into 10x, और 10x एज इट इज पहले से था तो यहाँ पे कांस्टेंट, फिर प्लस क्या किया हमने sec square x को क्या किया हमने कॉमन लिया और 10x को किया, तो 10x का कितना हो जाएगा sec square x, तो ये कितना हो जाएगा sec की पावर 4x, 2 पहले से था यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो जाएगा 4, 10x की वैल्यू 0 होती है तो बाकी इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला काम टर्म्स कट कट हो जाएगा और यहाँ पे कितना आया 2 sec 4x, तो कितना हो जाएगा ये फाइनली वैल्यू हो जाएगी 2, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 2, तो जो वाई 3 की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी 2। सिमिलर मैनर में हम वाई 4 निकालते हैं, यहाँ पे वाई 4 की वैल्यू हम इसी को क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 2 है, सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे 4 वाला क्या करेंगे, तो 4 टाइम्स 4 हमने कॉमन निकाल लिया, तो कितना आएगा देख लेते हैं,
4 × 10²x × sec²x। तो देखो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, 10²x को कॉमन ले लिया, 4 को कॉमन ले लिया, तो क्या किया हमने, 10²x को कॉमन लिया, sec²x का किया, तो कितना आ जाएगा हमारा 2 sec²x × 10x, 2 sec²x × 10x। ठीक है, अगेन sec²x को हम क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे, और ये जो था हमारा 10²x का करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 10x × sec²x। तो हमने सिर्फ इसका क्या डिफरेंशिएशन और यहाँ पे लिख दिया ये सारी चीजें, देखते हैं यहाँ पे कितना आ गया, ये जो जो भी चीजें आती है। अगेन हम किसका करेंगे इसका, तो 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 × 2 8 sec³x, 8 sec³x × sec x × 10x। तो वही चीज हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, अब इसको या तो रीअरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 sec²x × 10³x² और यहाँ पे 10x है, तो कितना हो जाएगा फाइनली वो 3। तो उसके बाद क्या है, ये चीज क्या दिया हुआ है, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, 10x × कितना हो जाएगा sec²x, तो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अगेन 8³x × अच्छा 8 sec²x × 10x, तो हमने वही चीज लिख दिया। ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो 8 10x × sec²x लिखा हुआ है, 8 sec²x × 10x, तो सेम चीज है यहाँ पे, 8 8 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 16। और देखो ध्यान से यहाँ पे चाहो तो डायरेक्टली आप क्या यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिखो आप डायरेक्टली 16 10, और ये सारी चीजें हटा दो। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, ये हटा दिया, ये इक्वल टू हमने ऐसे कर दिया 0। अब हम आते हैं किस पे, y5 0 निकालने पे। ठीक है, तो y5 0 निकालते हैं हम, तो सिमिलर मैनर में इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, 8 कॉमन ले लिया यहाँ पे, 8 कॉमन लेने के बाद देखो यहाँ पे क्या आया, sec²x को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट किया, और इसका हमने डिफरेंशिएट किया, कितना हो जाएगा 3 10²x × sec²x, क्योंकि 10x पे कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन sec²x। फिर हमने क्या किया, 10³x को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट किया, और हमने sec²x का किया, तो कितना हो जाएगा 2 sec²x × 10x। ठीक है, इसका हो गया डिफरेंशिएशन। अगेन अब इसका नंबर है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा 16, हमने बाहर ले लिया, 10x × sec²x, तो देखो यहाँ पे 10x को कॉमन लिया, और sec²x का हमने किया, तो 4 sec³x, और फिर अगेन sec x का करेंगे, तो कितना हो जाएगा sec x × 10x, तो हमने वही चीज कर दिया यहाँ पे। फिर क्या किया हमने, यहाँ पे sec²x को एज ए कॉमन ट्रीट किया, और 10x का हमने डिफरेंशिएशन किया, कितना हो जाएगा sec²x, वही चीज हमने लिख दिया। अब हमने क्या किया, x इक्वल टू 0 रखा, एक्स इक्वल टू 0 रखोगे, देखो ये 10 का टर्म से है तो कैंसिल आउट, अगेन इसमें भी 10 का टर्म से, ये भी कैंसिल आउट, इसमें भी 10 का टर्म से कैंसिल आउट, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये, तो आया कितना, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1, और 16 × 1 हो जाएगा यहाँ पे 16। सिमिलर मैनर में यहाँ पे y6 निकालेंगे, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम मैकलूरिन थ्योरम यूज करते हैं, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू वहाँ पे रखते हैं। ठीक है, f0 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 0, फिर x आएगा, फिर यहाँ पे जो भी वन टाइम डेरिवेटिव वाली वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 1 था, फिर 2 टाइम्स डेरिवेटिव जब किया तो 0 आया, फिर 3 टाइम डेरिवेटिव किया था कितना आया 2 आया, 4 टाइम डेरिवेटिव किया कितना आया 0 आया, फिर 5 टाइम डेरिवेटिव किया कितना आया 16 आया, फिर 6 टाइम डेरिवेटिव करेंगे, 6 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आया यहाँ पे 0 आया। ऐसे आप करते जाओ और नंबर ऑफ वैल्यूज आप पाते जाओगे। देखो यहाँ पे हम वैल्यू रख दिए यहाँ पे, कितना आया इसकी वैल्यू 1, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे ओनली एक्स, ये वाला टर्म्स कैंसिल आउट, ठीक है ये वाला टर्म्स कैंसिल आउट, ये वाला 0 हो जाएगा, और ये वाला भी 0 हो जाएगा हमारे पास। एक्सपांशन के लिए, सीरीज के लिए 3 वैल्यू काफी। एक्स आया यहाँ पे तो 2/3, देखो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 है, तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/3 x³ हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फैक्टोरियल 3 है, 3 × 2 होता है, तो x³ 1 3 हो जाएगा। फिर प्लस ये कितना है, देखो x5 है यहाँ पे 16, और डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है यहाँ पे, फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 × 4 × 3 × 2, और 16 को हम क्या ले सकते हैं 8 × 2, तो ध्यान से देखो यहाँ पे 4 2 और ये कट जाएगा 2/15, तो हमने लिख दिया 2/15 x^5, ऐसे करते करते यहाँ पे आएगा एक कांस्टेंट, और यहाँ पे जो भी कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x^7। ठीक है, अब ऐसे एक्सपांशन आप कर लेना यहाँ पे ये वैल्यू, तो 10x का एक्सपांशन सिमिलर मैनर में ऐसा हो जाएगा। सिमिलर मैनर में आपके पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, 10x, 1x, कॉस 1x और कॉट एक्स का जितना भी एक्सपांशन होगा सिमिलर इसी तरह से होगा, आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर आपका डिफरेंशिएशन नहीं बनता तो मे भी दिक्कत आएगी। तो देखो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंशिएशन है यहाँ पे 1 2 3, 3 डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे सबका डिफरेंशिएशन अच्छे से किया, और हमने मैकलून से इसका एक्सपांशन कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, तो अभी एक के लिए आप वीडियो पॉज कीजिए, सारी चीजें और नोट डाउन कीजिए,
और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स एस, कॉस इनवर्स एस और टेन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियोज में ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स, ई की पावर एक्स कॉस एक्स और ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये इंटू एक ही में पावर में इसका एक्सपेंशन करेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो हमारे तो इसका मैकलियन थ्योरम का जो थर्ड क्लास होगा वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो हम बता देंगे। और अगर आपको अगर ये इसका डिफरेंशिएशन आता है और एक एक डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अगर आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो तो आप कमेंट में जरूर बताना, ताकि हमारे वीडियोस में हेल्प मिलेगा और हम नेक्स्ट वीडियोस पे अपलोड नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर लेंगे अगर आपको ये सारी चीजें ईजी लगती हैं तो। ओके, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, हमारा चैनल एपी मैथ्स नाम से है, एपी मैथ्स, ठीक है, एपी मैथ्स बाय रमेश सर नाम से है, तो आप जरूर सर्च कर लेना। ओके, और चैनल को जरूर लाइक कर देना, या वीडियो अगर आपको अगर अच्छा लगता है तो बिना लाइक किए आगे मत बढ़ना और शेयर जरूर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।